ए चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ए सभी लोग गाएं, है अनमोल दिन दिन भजन करो। ए चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ए चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो रे भाई, भजन करो, भजन करो रे भाई, भजन करो, भजन करो रे भाई, भजन करो, भजन करो रे भाई, भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था जी, जन्म हुआ था, जन्म हुआ था जी, जन्म हुआ था। बजे नगर में ढोल, दिन दिन भजन करो। बजे नगर में दिन भजन करो। ए चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ए चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, जब चुनरी जवानी, जब चुनरी में आई जवानी, आई जवानी जी, आई जवानी, आई जवानी जी, आई जवानी। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो रे भाई, मनन करो, भजन करो रे भाई, मनन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आया बुढ़ापा, 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 आया बुढ़ापा, आया बुढ़ापा जी, आया बुढ़ापा। मुख से न निकले बोल, दिन दिन भजन करो। मुख से न निकले बोल, दिन दिन भजन करो। ए चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ए चुनरी है दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई। भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो दिल खोल,
दिन दिन भजन करो ये चुनरी है अनमोल 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 दिन दिन भजन करो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। श्री भूतनाथ साहू की जय। हमारे और कुछ संत बाकी हैं उनको पूरा करिए फिर पूजा का काम शुरू होगा। तो ज्यादा टाइम मत लेना मैं जीत। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो सभी हमारे साधु बहनें और हमारे संतों से निवेदन, आप लोगों को भी जल्दी है, हम लोगों को भी। तो जिन लोग का मैं नाम लूंगा थोड़े में अपनी बात समाप्त करेंगे और गुरशरण भैया भी अरमान पूरा हो जाएगा। वो तो मुझे नाम बताए मैं उन्हीं उन्हीं संतों को दे रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं साध्वी संसा साहेब जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी पूज्य बाबू जी को श्रद्धांजलि समर्पित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब पूज्य बाबू जी की जय। यहाँ पर उपस्थित परम श्रद्धे श्री साहेब जी, वंदनी संत समाज, आप सबको विदित है कि इस घर का मुखिया स्वर्गीय सम्माननीय श्री भूतनाथ जी अपना नश्वर शरीर छोड़ करके चले गए। जाना सबको है लेकिन श्री भूतनाथ जी अपने जीवन में संत गुरुजनों की भक्ति करते हुए, जो अपने जीवन में पुण्य की कमाई किए हैं वही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। मनुष्य बाहर भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाते हैं, धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं लेकिन जीवन में सुख और शांति नहीं रहती। लेकिन पूज्य बाबूजी अपने जीवन काल संत गुरुजनों की भक्ति करते हुए पूरी तरह आनंदित जीवन जिए। वे हर समय चाहते थे कि संतों का सानिध्य मिलता रहे। उसके मन में संतों के प्रति अगाध प्रेम था। संतों को देख करके खुश हो जाते थे और वे न कभी घर की चर्चा करते थे और न परिवार की और न किसी प्रकार के धंधे व्यापार की। वो केवल ज्ञान की चर्चा करते थे। वे सबसे बड़े, कहना चाहिए कि सबसे बड़े धनी आदमी थे। बाहर तो लोग भौतिक संपदाओं को धन मानते हैं लेकिन उसके पास धन था ज्ञान धन। और उसकी सबसे बड़ी धरोहर थी परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा लिखित वैराग्य संजीवनी, कबीर साहब जी का मूल ग्रंथ बीजक, कबीर भजनावली और गुरुदेव जी द्वारा रचित भजनावली। यही उनकी अनमोल संपत्ति थी जिसको वे हर समय अपने साथ रखते थे। घर में रहते थे तो बिस्तर पे और बाहर जाते थे तो अपनी झोली पे रखते थे। वे हर क्षण सत्संग और भजन में डूबे रहते थे। स्नान करके
वे सबसे पहले वैराग्य संजीवनी का पाठ करते थे, तब वो जलपान करते थे, ऐसा उनका दिनचर्या था। और इसी तरह भक्ति करते करते पूज्य बाबूजी अपना नश्वर शरीर छोड़ करके तो चले गए, लेकिन वे एक आदर्श स्थापित करके गए हैं। आदर्श पिता, आदर्श साधक, आदर्श भक्त के साथ साथ एक आदर्श गुरु के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए हैं। और उन्हीं के संस्कार के फलस्वरूप ये पूरा घर परिवार संत गुरुजनों की सेवा और भक्ति में लगे हुए हैं। और उन्हीं के संस्कार से संस्कारित होकर भैया गुरुशरण भक्ति के मार्ग में लगे हुए, ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन्हीं के संस्कार के बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही हम सबको इन महान आत्माओं के जो आदर्श हैं उसे अपनाना होगा, तब हमारा जीवन भी एक अच्छा आदर्शमय हो सकता है। इस तरह हमारे बीच पूज्य बाबूजी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी रहने, उनके आचरण, उनके आदर्श, उनका सरल स्वभाव, उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही हम सबको बनना है और अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीने का प्रयास करना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब मैं साध्वी सुमन साहब से भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपने संक्षिप्त विचार रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। परम श्रद्धे श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत गुरुजन एवं परम आदरणीय श्रद्धेया मेरी साध्वी बहने, आज सबको विदित है इस घर आंगन में संत महात्माओं का पदार्पण और अन्य प्रबुद्ध जनों का पदार्पण, कि हमारे पूज्य बाबू जी का शरीर सदा सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। इसी अवसर पर सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। सचमुच में अभी हम लोग सुबह से पूज्य भक्तराज भूतनाथ बाबू जी के उनके व्यक्तित्व एवं कर्तित्व के बारे में हम चर्चा सुन रहे हैं। सचमुच में भक्त प्रवर हो तो हमारे पूज्य भूतनाथ बाबू जी जैसे ही होना चाहिए। आप सब सुने ही हैं और अनुभव किए हैं, देखे सुने हैं कि संतों के प्रति उनके मन में भक्ति भावना समर्पण सब कुछ था। सचमुच में गृहस्थ समाज के लिए हमारे बाबूजी बहुत बड़े आदर्श हैं, और ऐसे ही आदर्श सबको बनना चाहिए। केवल संत ही एक आदर्श नहीं होते हैं, संत से बड़े आदर्श गृहस्थ समाज दे सकता है। क्योंकि एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को देखते हैं कि अगर ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से एक दूसरे के लिए आदर्श बनते हैं, और वो आदर्श हमारे पूज्य बाबूजी भूतनाथ जी दे करके गए हैं। ऐसे ही हमें भी सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, और कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनके गुणों सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो अच्छी चीजें हैं उसे उतारना चाहिए। और हम सब जो अच्छी बात लगे उसे अपने जीवन में उतारें, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य बाबू जी को सत्सत नमन करते हैं, अपने वाणी के लिए विराम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। अब आदरणीय श्री लखन साहब से भी निवेदन कि आप भी संक्षिप्त में पूज्य बाबू जी को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, पूज्य श्री भूतनाथ साहू जी के जो श्रद्धांजलि सभा में विराजमान, परिवार के जितने भी भक्तजन हैं, बाबूजी की कमाई है उनकी मुस्कुराना, उनका गले लगना, विशाल हृदय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने एक चौपाई में कहा है, जो गुरु चरण रेणु सिर धरई
मानो सकल विभव बस करी। जिसने गुरु के चरण को पकड़ लिया, गुरु के चरणों के रज को, पराग को जिसने पकड़ लिया, मानो संसार के सारे विभव, सारे संपत्ति को अपने वश में कर लिया। और उनका संपत्ति था संतों की सेवा। आज वो महान हो गए, आज उनकी हम गुणगान गा रहे हैं। वो एक हमारे आदर्श पुरुष हैं। उन आदर्श पुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी छत्र छाया में निवास करने वाले जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनकी आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा को, उनको गुरु तुल्य, पिता तुल्य, पिता है, गुरु है, सब कुछ है, उनकी आदर्श को जीवन में हम अपनाए, ऐसे पुरुष की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आगे निवेदन है आदरणीय संश्री अनिल साहब जी से, आप भी श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ बात। मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक अर्चनी वन्नी संत समाज, सभा में बैठे आदरणीय भक्तों एवं माताओं, संत कहते हैं जही मरने से जग गए मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूरन परमानंद। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसी का परिणाम है पूरा समाज, हम सब इकट्ठा हुए हैं। हकीकत चीज ये है, उन्होंने जीरो से शुरू किया और 40, 50, 60 एकड़ जमीन तक ला करके टिका दिया। उन्होंने जीरो से शुरू किया और पूरे समाज, पूरे कबीर पंथ के बड़े बड़े संतों को इस घर में ला करके टिकाया। उस माता और पिता के लिए सबका नमन होता है। और आज मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माता दुर्गा से, माता विनीता से और माता करुणा से, इस घर की लाज बचा करके रखना। आप लोग अपने बच्चों को ऐसा प्रेरणा देना, अपने बच्चों से ऐसे प्रेम करना, अपने बच्चों को इतना संतों के प्रति झुका करके रखना कि कभी इस घर की मर्यादाएं ना टूटे, कभी इस घर की बदनामी ना हो, कभी इस घर के लोग ना कहे, समाज के लोग ना कहे कि भक्त राजभूत ना जाने के बाद इस घर में वैसी चर्चाएं नहीं, इस घर में ऐसे संतों का आगमन नहीं, इस घर में ऐसे तो संतों का टोली नहीं लगती है, ऐसे चर्चाएं ना आए। आप लोगों से निवेदन करूंगा तीनों माताओं से कि आज आपके बच्चे इतने अच्छे हैं और जितना जीवन उन्होंने जिया है, आप घर के संचालक है, आप तीनों घर के संचालक है। आपके बच्चे किस पथ में जा रहे हैं आप लोग जानते हैं। आप अपने बच्चों को और अच्छे दिशाओं पर लगाइए और उन लोगों को कहिए अपने जीवन जियो और संतों के प्रति उदारता हो। संतों को कम से कम 3 महीना 6 महीना में कम से कम बुलाते रहे, कुछ नहीं तो ऐसा ही आयोजन करे, कुछ ना कुछ आयोजन करे और अपने बच्चों को सही दिशा आप लोग देते रहे। कभी कुछ कहे तो कटु वचन भी बोले, इससे बढ़कर के शायद श्रद्धांजलि और कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है हमारे सबके लिए। हम सब मृत्यु के करीब जा रहे हैं, कोई बिरला होता है मोक्ष के करीब जाते हैं। मृत्यु और मोक्ष क्या है? श्वास खत्म, इच्छा बाकी, ये मृत्यु है और हम सबकी श्वास खत्म होने वाली है। इच्छाएं की लादी लाद रहते हैं लेकिन इच्छा खत्म, श्वास बाकी, ये हमारा मोक्ष है। हम लोग कितने लोग हैं जो मोक्ष के करीब जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो मोक्ष के करीब जा रहे हैं। इसलिए इस घर के माताओं को निवेदन है, इस घर के बच्चों को निवेदन है, आज संकल्प का दिन है हमारे सबके लिए, इसी घर के लिए नहीं पूरे समाज के लिए, एक अच्छे वक्त, एक अच्छे भक्त राज जिन्होंने अपने जीवन को संत का जीवन जिया, उनके वाणी में हमेशा जो अंदर चलता है वही निकलता है। उनके वाणों में हमेशा मिठास, हमेशा कबीर के वाणी निकलता था। कभी भी बोले बीजक की चर्चाएं, वो आदमी कैसा निराला रहा होगा। जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन सज्जलन ये नहीं चलता, वही उसी के अंदर बीजक चलता है, उसी के अंदर अच्छे विचार चलते हैं। इसलिए इन बच्चों को भी चाहिए कि आज हमारा संकल्प का दिन है, आज से जीवन में यू टर्न लाए, जीवन को बदले,
प्रेम से जिए, संतों के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति जिस दिन श्रद्धा टूट गई उस दिन नैया को डगमगाने में कोई देरी नहीं, नैया डूबने में कोई देरी नहीं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो शुरुआत किया, कुछ न रहने पर कर्ज लेकर के संतों को बुलाने का शुरुआत किया था उन्होंने, कुछ न रहने पर कर्ज लेकर के आज यहाँ तक खड़े कर दिया, लोग देखते रह गए। इसलिए बच्चों से निवेदन है कि अब तक उनके संपत्ति से किए हैं, आप संपत्ति आप सबका है, उस संपत्ति से और अपनी संपत्ति, अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है अपना अध्यात्म धन, उस संपत्ति को बचा करके रखें जो उन्होंने दिया है। इससे बढ़कर के श्रद्धांजलि साहब और नहीं होगा। बस यही सच्ची श्रद्धांजलि हम सबके लिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आगे निवेदन है आदरणीय संत श्री घनश्याम साहब जी से। पूजनीय संत समाज, सम्मान्य साधु बहने एवं उनके जन परिजन, मेरे लिए आदेश हुआ है मैं भी इस श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि के रूप में कुछ विचार व्यक्त। इसके बाद आप लोग सब तैयार रहेंगे, संतों की पूजा आरती होगी, तैयारी कर लीजिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त सज्जनों की, पूजनीय संत गुरुजन, साधु बहने, भक्तिमती माताओं, प्यारे बच्चों, अभी हम सब श्रद्धे भक्तराज भूतनाथ जी के कर्तित्व और व्यक्तित्व के बारे में सुन रहे थे। उनके जीवन में जो कमाई किए, वे कमाई का अधिकारी पूरे परिवार के लिए लोग हैं, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक कमाई है उसमें भी हमें पूर्ण तरह से हिस्सेदार होना। इस घर में और भी बहुत पूर्व इस घर के सदस्य हो चुके हैं, उनका शरीर नहीं रहा, राम स्वरूप, उन्होंने विकलांग होते हुए भी घर की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान था। उनका चित्र वहां पर टंगा हुआ है, इसमें कई संत लोग देखे होंगे। उन्होंने अपने विकलांग शरीर में जो कमाई किए और उनके रहते रहते यहाँ के जो आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी आई, तब संसरण जी और एक दिन सुनीति, चार बहुएं हैं, लेकिन चारों बहुओं में भी सभी प्रेम से रहते हैं। तो इस घर का जो मूल संस्कार है वह भक्ति का, प्रेम का, श्रद्धा का, दान का और सेवा का, ये उत्तरोत्तर आप लोग भी अपने जीवन में उसको वृद्धि करेंगे और आने वाले जो जनरेशन है उनको भी वही पाठ पढ़ाना है, उनका छोड़ा हुआ जो रास्ता है उसको पूरा करना है। और अधिक ना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके जीवन से आप सब प्रेरणा लें। और संत लोगों से मेरा भी निवेदन है कि आप लोग इस समय से यहाँ आते रहें और बच्चों को, माताओं को, भाइयों को, सबका ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा का
प्रभाव पड़ते रहे। बस इतने कह करके मैं अपने वाणी को विराम और आप सबको धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु शरण भैया जी आप आइए, थोड़ा सा पूरा आइए। आपसे निवेदन कि आप भी दो शब्द संतों के आभार में आ जैसे भी हो आइए। संसरण भी और भादु भी आप लोग यही रहेंगे, यही पर आ जाइए आप लोग। संसरण भी और भादु भी यहाँ पर आ जाइए, और विनय ज्ञान आप लोग भी आओ यहाँ पर। जितने लोग अनुराग ज्ञान बैठे भैया बैठे, विनय अनुराग ज्ञान समीर मनीष गीतांजलि रवि गरिमा मनी संजीव वंदना और कोई बाकी है, सभी से निवेदन है कि आप लोग यहाँ आए स्पेशल, आप लोग यहाँ आकर के बैठे। अभी श्री गुरुशरण भैया से दो शब्द सुनेंगे, फिर संसरण भैया से, फिर अंतिम में भादु भैया से, फिर गुरु पूजा होगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जय। विश्व के सब संत महापुरुषों की जय। यहाँ पर उपस्थित संत समाज की जय। साध्वी बहनों की जय। आए हुए हमारे सभी, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगा सहोदर, आप सब की भी जय। और प्रेम से बोलिए पूज्य बाबू जी की जय। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आज हम सब लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। आज पंचरावन के रूप में बाबू जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित है, और जिसे हम सब लोग अंतिम श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे संतजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नवापारा कबीर आश्रम से हमारे परम पूज्य विचार साहेब जी, परम पूज्य हमारे संत श्री सुरेंद्र साहेब जी, और इसी कड़ी में उलियारी से हमारे परम पूज्य मुक्ति शरण साहेब जी, मंदरौद आश्रम से हमारे परम पूज्य घनश्याम साहेब जी, इसी कड़ी में हमारे पूज्य समेंद्र साहेब जी नवापारा कबीर आश्रम से, इसी कड़ी में हमारे पूज्य अखिलेंद्र साहेब जी, अनिल साहेब जी संकरी कोरासी आश्रम से, और इसी कड़ी में हमारे परम पूज्य लखन साहेब जी जो कि भैंस मुंडी मगलोड आश्रम से हैं, और भी प्रेम साहेब जी, रतन साहेब जी और चिवरी कबीर आश्रम से भी हमारे संतजन यहाँ आए हैं। संत श्री शिव साहेब जी साध्वीजनों की कड़ी में कबीर आश्रम, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवा गांव से हमारे साहेब जी, समता साहेब जी, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मुरा से हमारे सुमन साहेब जी, और करबा करगा कबीर आश्रम से भी हमारे साध्वी जन, डाभा से हमारे साध्वी बहन, और नवा गांव मुरा आश्रम के साध्वी बहनों की उपस्थिति है। संत सगा साधु सगा अंत सगा न कोए,
सबसे बड़े सगा जो इस जीव के साथ जिनका संबंध है, जो हमें बोध कराते हैं, वो हमारे प्रथम कड़ी में है। और आप लोगों की उपस्थिति हमें आत्मबल प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। हमारे पूज्य पिता बाबूजी श्री भूतनाथ साहू जी, जो अपने जीवन में जीवन भर साधु संतों की सेवा किए, और उनका केवल एक ही कहना था, जब भी वो बैठते थे वो कहते थे कि साधु गुरु की सेवा कभी नहीं छोड़ना है, सत्संग भजन कभी किसी को नहीं छोड़ना है। और जिन्होंने छोड़ा साधुओं की संगत, संतों की संगति, उनके घर को आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत जीवन में या विचार नहीं कर पाते, इस कारण से बहुत से ऐसे परिवार दिखने को मिलता है जिनके पूर्वज संत गुरुजनों को मानते थे, लेकिन आज अपने जीवन में वो दूर हो गए हैं। उनके पिताजी मानते थे, उनके दादाजी मानते थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं मानते। आज उनके घर की स्थिति आप देख सकते हो, कोई शराबी है तो कोई कबाबी है तो कोई व्यसनी है, कहीं ना कहीं डूबे हैं और जीवन में बर्बाद है। इसलिए बाबूजी हमेशा यही कहते थे हम लोगों को कि संत गुरुजनों के चरणों से कभी दूर मत होना, ये उनका प्रथम और अंतिम उपदेश था। और हमेशा ये भी कहते थे, डांटते थे कि केवल कमाने में लगे रहते हो, सत्संग और भजन के लिए समय निकाला करो, बैठा करो, विचार किया करो, आखिर धन किसी के साथ जाता नहीं है, एक दिन सबको यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग कभी कभी उसको गहराई से नहीं सोचते थे और कहीं ना कहीं उनकी बातों को नज़रअंदाज भी करते थे। हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि बाबूजी जो रास्ता हम लोगों को दिखाए हैं, बताए हैं, सबको स्वीकार करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमको भी इस दुनिया से जाना है। और जो मनुष्य जीवन का मूल आधार बाबूजी अपने जीवन में समझे थे, शायद अच्छे अच्छे लोगों को भी समझ में नहीं आता। बाबूजी की सबसे बहुत बेहतरीन स्थिति कहना चाहिए, अभी जीवन के जब वो अंतिम पड़ाव में चल रहे थे तो मैं मजाक में उनसे पूछता था, बाबूजी मरने की चिंता है? बाबूजी कहते थे, ठहाका लगाते थे, खिलखिला कर हंसते थे, कहते थे कि अभी ये शरीर चला जाए, ये सड़ा हुआ शरीर तुरंत मिट जाए, कोई चिंता नहीं है। इतना मस्त उनका जीवन था, आत्मस्थ थे वो। उनके आंखों में प्रेम के आंसू भले छलक पड़ते थे संतों को देख करके, रो पड़ते थे संतों से भी। संत हमारे घर में आए और संत घर से जब जाने की तैयारी करते थे तो वो रोते थे, इस समय वो रोते थे। बाकी वो अपने संसार में रहते रहते अपने शरीर के लिए या परिवार के लिए उसके मन में शोक नहीं था, कभी वो रोते तो प्रेम के आंसू रोते थे, ऐसे वो तटस्थ थे। सदगुरु कबीर साहब के बीजक, मूल बीजक उनको पूरा कंठस्थ था, पंचग्रंथि, भवयान, बहुत सारे ग्रंथों की बात वो समय पर बताते थे। ऐसे दृढ़ संकल्पित थे, एकनिष्ठ थे, परम विवेकी थे, उनको कोई भी निर्णय वचन से डिगा नहीं सकता था, ऐसे वो आत्मस्थ थे। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ जो ऐसे पिता के okay.
बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सदा ऋणी रहूंगा माता पिता की। जो कि मुझे उनके संतान बनने का अवसर मिला और उनके ही पुण्य प्रताप से मुझे सद्गुरु कबीर पारक सिद्धांत से जुड़े हमारे संत गुरुजनों का दर्शन हुआ। जीवन में एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई चेतना, जीवन का महत्व समझ आया। शायद ऐसे माता पिता के कोख में, उनके गोद में मैं जन्म लिया, शायद इसी का परिणाम है। मैं अपने माता पिता को हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और मेरे संत गुरुजनों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बंदगी करता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे परिवार में हम सबके प्रति बना रहे, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और अंत में हम सबको जाना है, बाबूजी गए हैं उसी रास्ते के, हम सब लोग भी पथिक हैं। इसलिए अपने जीवन में और खास करके श्रद्धांजलि सभा में आकर के ये हम सबको शिक्षा लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि जीवन हम सबका कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में किसी से कोई बैर ना करे, कोई विरोध ना करे। और जो प्रेम बाबूजी सबको बांटे हैं, बाबूजी गुस्सा भी करते थे लेकिन बहुत क्षणिक रहता था। उनका हृदय बहुत कोमल था, बहुत नरम था और बहुत प्रेमी थे। और मैं आज उपस्थित हुए सभी संत गुरुजनों का, सभी संत महापुरुषों का, साथी बहनों का, यहाँ आए हमारे सभी मेहमानों का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि दुख की इस घड़ी में हमें आप लोगों ने सहयोग प्रदान किया। मैं बारंबार आप सबको प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ बाबू जी की महान आत्मा को, आप सभी संत गुरुजनों को मैं त्रै बार साहेब बंदगी करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। मैं पहले ही कहा कि आज संकल्प का दिन है। जो दादाजी ने रास्ता दिखाया वो संतों का मार्ग आप लोग पकड़े रहेंगे, आप लोग आगे चलते रहेंगे तो माँ बाप के चेहरों में, आंखों में खुशी बने रहेगी। और आप लोग यदि दिशा गलत कर दिए, एक दिशा गलत दिशा में चले गए तो माँ बाप के आंखों में सिर्फ आंसू बन के गिरेंगे। इसलिए आप लोगों से, हमारे भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ बार बार, इस घर की मर्यादा और इस घर की लाज बचाए रखना। चारों भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि पांचों भाइयों से कि आप इस घर को बनाए रखना। आइए अब अंतिम कड़ी में निवेदन है संसरण भैया से, आप भी दो शब्द बोले, थोड़ी सी दो शब्द अपने लिए, अपने परिवार के लिए दो शब्द कहे। ठीक है, अब आरती पूजा की तैयारी की जाए। हेलो, सभी सभी लोग आ जाएं, बहु बेटा नाती पोता सब, बेटी दमान वगैरह जितने लोग हैं सब लोग आकर के गुरु पूजन भाग लें। आरती के बाद में हम लोग तीनों भाइयों को और इनके नातियों को चावल टिक करके हम लोग टीका लगाएंगे और जिम्मेदारी का एक जो रस्म है
थर्ट परवर नहीं है तो उनकी जिम्मेदारियों का इन लोगों का एहसास हो, इसलिए हम सभी संत मिल करके साधवी बहनें मिल करके इन तीनों चारों बेटाओं को बहुओं को हम जिम्मेदारी सौंपेंगे टीका लगा करके। हेलो दे गुरु मुक्ति दाता ते ही दो प्रदीप ले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महदीजिए कर जो जानते सब मकर में जीव सद गुरु नाही हाक चुलाए की गुरु करत हमें विनती प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की अदम उदारन भाव है हारन जीवन करत सनाथ की जगत स्वामी अजीत साहेब पर गुण को गही सके दया क्षमा आपको सो लई सके मोम सतगुण नाही साहिब लहु में कैसे आपको बार बार मैं करत विनती शरण लीजे दास को शरण सर में सर हाँ कहत बने कछु ना जानत सर वो परि गुरु माई करुणा निधि है स्वागत मंगल करण शुभ आइए निज गुणन को गा रहे सबका बता कर सार या सार
विशुद्ध बोध कराई करुणा निधि है स्वागत मम मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए करुणा निधि है स्वागत मम मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए कामादि खल दल संग है सत मार्ग में आगे खड़े गुरु ज्ञान ऐसी पर दान करते ही मार चार मिलाई करुणा निधि है स्वागत मम मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक अर्पित पत्र पुष्प स्वीकारी करुणा निधि है स्वागत मंगल कर शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी तुमरे दरस से संकट कट तू हेलो यहाँ पर फूल रखा है और लोग आकर के पूज्य गुरुजनों की वंदाई करना चाहे तो फूल भेंट करके वंदाई कर सकते हैं बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी तुम्हारे दरस से संकट कट तू है दरस कट तू है भरमा मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी संत स्वरूपी आप कृपा निधि संत स्वरूपी आप कृपा निधि खोलत भरम की वारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी